आज का रात्रि क्लास है 13 नवंबर 1968। हम सभी बहनों अथवा भाइयों को एक बाप पढ़ाते हैं। भाई भाई क्यों नहीं, जब कहते हैं आत्मा आत्मा भाई भाई तो भाई बहन क्यों कहा? इसलिए कहा कि जब निराकार बाप शिव आते हैं तो ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं। ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, नाम रखते हैं ब्रह्मा। ब्रह्म अर्थात बड़ी, माँ अर्थात माँ। तो भक्ति मार्ग में कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। पहले किसका नाम माँ का लिया या पिता का? माँ का नाम पहले लिया। दुनिया में भी बच्चा पैदा होता है तो माँ को पहले जानता है, बाप को बाद में जानता है। तो यहाँ भी बाप कहते हैं, तुम पहले माँ के बच्चे हो। स्त्री चोला है तो बहन हो, और पुरुष चोला है तो भाई हो, लेकिन हो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा कुमार तो भाई, और ब्रह्मा कुमारी तो बहन। इसलिए मंदिर में जाते हो तो आज भी पे कहते हो तुम मात पिता हम बालक तेरे। ब्रह्मा माता हो गई और उसमें प्रवेश करने वाला शिव पिता हो गया। कहते हो ना तुम मात पिता हम बालक तेरे। शास्त्रों में भी गायन किया है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तुम मेरी माता भी हो पहले, फिर तुम मेरे पिता भी हो। तो बताया कि सभी भाई बहनों को एक बाप पढ़ाने वाला है। पढ़ाने वाली माँ नहीं है, बल ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ के तन में आते हैं, परंतु उसमें पढ़ाने वाला बाप है, जो हम सब बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। हम आत्माएं बिंदु बिंदु कैसे? आदमी औरत जब शरीर छोड़ता है तो उसमें से क्या निकल जाता है? जो बोलना चालना हलन चलन बंद हो जाती है, शरीर मुर्दा हो जाता है। जो शक्ति निकल गई वो आत्मा है। अब मुर्दे में और बोलते चालते आदमी में पहचान क्या है? पहचान है मुर्दा, जिसमें से आत्मा निकल गई उसकी आंखें बटन के समान हो जाती है।
कोई हलन चलन नहीं रहती, आंखों में कोई आकर्षण नहीं रहता। और जिसमें आत्मा होती है, चैतन्य होता है, तो आंखों में रमक दिखाई पड़ती है। तो जो आंखों में रमक अर्थात ज्योति दिखाई देती है, वही आत्मा है। वो आत्मा एक तरह का सेल है, छोटी छोटी घड़ियां आती हैं, उनमें बहुत छोटा सेल होता है। आजकल तो मोटर कार भी बैटरी से चलती है, तो हमारी आत्मा एक बैटरी मुआफिक है, बहुत छोटी सी बैटरी है। उस छोटी सी बैटरी की यादगार में पुराने जमाने से स्त्रियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष टीका लगाते हैं, अर्थात आत्मा ज्योति बिंदी है, ज्योति का बिंदु है। जिस ज्योति बिंदु बैटरी की रोशनी आंखों से निकलती है, आदमी शरीर छोड़ देता है, आंखें बटन हो जाती, माने आत्मा निकल गई। वो आत्मा इस शरीर का राजा है। राजा कहां बैठेगा? ऊंची गद्दी पर बैठेगा या दरवाजे पर आकर के ड्यूढ़ी पर बैठेगा? ऊंची गद्दी पर बैठेगा। तो इस शरीर में अनेक अंग हैं, श्रेष्ठ अंग भी हैं, नीचे अंग भी हैं। तो आत्मा का स्थान उत्तम अंग, उत्तम ते उत्तम अंग है कौन सा? ये मस्तक जो है, इसे उत्तमांग कहते हैं। इस उत्तमांग में ब्रकुटी के मध्य में आत्मा रहती है, जो गीता में भी कहा गया है, घोर मध्य प्राणमावेश सम्यक। मनुष्य जब शरीर छोड़े तो ब्रकुटी के मध्य में अपने प्राण रूप आत्मा को याद करे। वो प्राण रूप आत्मा का रूप क्या है, वो भी गीता में बताया है, अणोरणीयान, अणु से भी अणु रूप है। वो अणुरूप आत्मा इस शरीर में विराजमान है। वो कभी स्त्री चोला धारण करती है, कभी पुरुष चोला धारण करती है। आत्मा स्त्री भी बनती है, कोई जन्म में पुरुष भी बनती है। आत्मा इस शरीर रूपी वृक्ष का बीज है, जैसे दुनिया में और बीज होते हैं, पपीते का बीज है, आम का बीज है, नीम का बीज है, कोई बीज फीमेल होता है, कोई बीज मेल होता है। जैसे पपीते का जो फीमेल बीज होता है और मेल बीज होता है, वो देखने में आता है। एक में फल लगते हैं और दूसरे में फल नहीं लगते हैं, सिर्फ फूल आकर के रह जाते हैं, पराग। दूर से ही वो अपना पराग खींच लेता है और वृक्ष में फल आ जाते हैं।
तो देखो पपीते जैसे वृक्ष में इतनी शक्ति है कि दूर से ही वाइब्रेशन के आधार पर फल पैदा कर लेता है। स्त्री पुरुष में जो पैदाइश होती है उसको कहते हैं लाल या लाली। ये मेरा लाल है, ये मेरी लाली है, अर्थात एक प्रकार का फल है। तो हम सब कोई परमात्मा बाप के लाल बैठे हुए हैं, कोई लाल ही बैठे हुए हैं। मूल रूप में तो हम आत्मा हैं, लेकिन देखने में शरीर देखने में आते हैं या आत्मा देखने में आती है? शरीर देखने में आते हैं। कोई शरीर स्त्री चोला, कोई शरीर पुरुष चोला। तो जो स्त्री चोला या पुरुष चोले के रूप में हम बैठे हुए हैं वो सब भाई बहन हैं और एक बाप के बच्चे हैं। एक बाप ही हमको पढ़ाने वाला है। वो बाप तुरिया बाप है। जैसे दुनियावी बाप होते हैं ऐसा बाप नहीं है। जो दुनियावी बाप होते हैं वो तो कुछ चाहना करते हैं बच्चों से, बच्चे हमारी सेवा करेंगे बुढ़ापे में। लेकिन ये ऐसा बाप है जो निष्काम है, बच्चों से कोई कुछ भी लेने की कामना नहीं करता। ये एक ही बाप है। हम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप जो ब्रह्मा तन में आता है और हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाता है, लेता कुछ भी नहीं है। लेता है? नहीं लेता है। अच्छा, ये आशा करता है कि बच्चे हमको प्यार करें। प्यार की आशा तो दुनिया में सबको होती है। अब कोई कुपत्ते बच्चे ऐसे होते हैं माँ बाप को भी प्यार नहीं करते, लेकिन ये बाप कोई बच्चे से कुछ भी लेने की इच्छा नहीं करता। उस बाप को कोई प्यार से याद करे तो भी ठीक, ड्रामा। प्यार से न याद करे तो भी ठीक, ये दुनिया का ड्रामा बना हुआ है। इस दुनिया के ड्रामा में हर आत्मा रूपी बीज का अपना अपना पार्ट नुधा हुआ है। कोई आत्मा परमात्मा बाप से बहुत प्यार करने वाली है, कोई नंबर वार है और कोई प्यार न करने वाली है। लेकिन बाप कोई से प्यार भी नहीं मांगता, प्यार का भी इच्छुक नहीं है। वो दाता है, लेने वाला नहीं है। उनके पास कुछ भी लेने की बात नहीं है। हाँ, देने की बात है। क्या देता है? लड्डू देता है, पेड़ा देता है, पैसा देता है, नोट की गड्डियां देता है, मकान देता है, दुकान देता है, कारखाना देता है। क्या देता है? ये तो सब स्थूल चीजें हैं। ये स्थूल चीजें तो लौकिक बाप देता है। वो पारलौकिक बाप ऐसी कोई भी स्थूल चीज देने वाला नहीं, क्योंकि वो स्थूल तो है नहीं। वो बाप स्थूल है या निराकार है?
वो इन आंखों से नहीं देखा जाता। अच्छा, उस बाप के जो बच्चे हम आत्माएं हैं, बिंदु बिंदु आत्माएं, वो इन आंखों से देखी जाती हैं। आत्मा को इन आंखों से देख सकते हैं? है? आत्मा को ही नहीं देख सकते तो परमात्मा बाप को कैसे देखेंगे? तो परमात्मा बाप बताते हैं कि बच्चे, तुम आत्माओं को अनेक जन्मों का अपना परिचय देने के लिए मैं आता हूं, अपना भी परिचय देता हूं, और तुम आत्माओं के अनेक जन्मों का क्या पार्ट कैसे बजाया है, कहां कहां बजाया है, ये परिचय भी देता हूं। तो बाप देने वाला है, क्या देता है? ज्ञान देता है। ज्ञान माने ज्ञानकारी, ज्ञान की रोशनी देता है, तीसरी आंख देता है ज्ञान की। तो ये बात जान करके बच्चों की खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए कि हमको तो साक्षात त्रिनेत्री बाप मिलता है, जो हमको तीसरा नेत्र ज्ञान का देता है। ये तो सभी जानते हैं, जो बच्चे बाप के हैं, बिंदु बिंदु आत्मा रूपी बच्चे अपने को समझते हैं, वो सभी बच्चे इस बात को तो जानते हैं कि वो बाप हमारा बाप भी है। बाप क्या करता है? बच्चे को जन्म देता है। बच्चे को जन्म देने के लिए माँ में बीज डालता है ना, तो बच्चे को जन्म देता है तो बाप है। और जब बच्चा बड़ा होता है तो बच्चे को वर्षा देता है। यही दो बातें तो हैं खास, तो बाप कहा जाता है। तो ये पारलौकिक बाप भी हम बच्चों को आकर के जन्म देता है। पहले हम नहीं जानते थे कि हम क्या हैं। कोई से पूछो तुम क्या हो तो कहें तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, हम आदमी हैं। कोई औरत से पूछेंगे तो कहें तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता मैं औरत हूं। अच्छा, ये नहीं बताएगा तो बताएगा मैं डॉक्टर हूं, मास्टर हूं, मिनिस्टर हूं, स्टूडेंट हूं, यही तो बताएगा ना। लेकिन ये जो कुछ बताया वो देह का परिचय दिया या आत्मा का परिचय दिया? ये तो देह का परिचय दे दिया। देह आज है और कल, कल देह नहीं रहेगी। तो जिससे पूछा गया उससे पूछा जाए कि तुम कहते हो कि मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, मैं बच्चा हूं, तो जब तक ये शरीर है तभी तक तो तुम बूढ़ा या बच्चा या जवान हो। जब शरीर छूट जाएगा तो तुम रहोगे कि नहीं रहोगे? अब यहां भारत में तो सब जानते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा दूसरा जन्म लेती है। तो रहेंगे तो परिचय झूठा दिया या सच्चा दिया? झूठा परिचय शरीर का दे दिया। असली परिचय क्या है? असली परिचय है मैं ज्योतिबिंदु आत्मा हूं, जो इस शरीर रूपी राज्य का राजा हूं, और प्रकृति के मध्य में जो बड़े बड़े मंत्री हैं, महामंत्री, आमात्या आदि, नाक आंख कान मुंह वगैरह, इनके बीच में बैठता हूं और सारे शरीर को इन मंत्रियों के द्वारा कंट्रोल करता हूं। तो बाप ये सारा परिचय देना शुरू करते हैं।
कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, जन्मदाता हूँ और तुम बच्चों को वर्षा भी देता हूँ, काय का वर्षा देता हूँ। दुनियावी बाप तो अल्पकाल का वर्षा देंगे, वो भी देंगे देंगे न देंगे, आज देंगे कल हो सकता है फारकती देके छीन भी ले, और उस वर्षे को चोर लुटेरे लूट भी ले। लेकिन बाप ऐसा वर्षा देते हैं जो अविनाशी वर्षा है, इसी एक जन्म में खलास होने वाला नहीं है, जन्म जन्मांतर तक वो वर्षा चलेगा। क्या वर्षा देता है, कोई से पूछा जाए भाई तुम सारी जिंदगी में क्या चाहते हो, सबसे बड़ी चाहना बताओ, क्या चाहते हो, ऐसी चाहना बताओ कि जिसमें सब कुछ आ जाए। तो सोच विचार करने वाला आदमी होगा तो कहेगा हमें सुख चाहिए दुख नहीं चाहिए। क्या क्या चाहिए, सुख चाहिए दुख नहीं चाहिए, शांति चाहिए अशांति नहीं चाहिए। तो भगवान बाप वही चीज देता है, अल्पकाल की खुशी नहीं देता है जो इसी जन्म में खलास हो जाए, जन्म जन्मांतर की खुशी देता है और जन्म जन्मांतर की शांति देता है। वो सुख का वर्षा बाप का वर्षा है, बाप जो वर्षा देता है वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। उस सुख के वर्षे को कहा जाता है जीवन मुक्ति। जीवन रहे, जीवन खत्म हो जाने के बाद नहीं, जीवन रहे, लेकिन जीवन में रहते रहते ही हमको क्या मिले, सुख मिले लेकिन दुख न मिले। तो सुख शांति का वर्षा ये बाप देने वाला है। सुख को कहते हैं जीवन मुक्ति और शांति उसे कहते हैं जो अशांति से और दुखों से छुटकारा हो जाए, उसको कहते हैं मुक्ति। काहे से मुक्ति, दुखों से मुक्ति। काहे से मुक्ति, अशांति से मुक्ति। सारी दुनिया सुख शांति चाहती है, ऐसा कोई है दुनिया में जो सुख शांति न चाहता हो, कोई देखा सुना नहीं। सारी दुनिया में सारे के सारे ही पशु हो, पक्षी हो, प्राणी हो, मनुष्य हो, सुख शांति की आशा लगाए बैठे हैं सब। जो आशा दुनिया में कोई पूरी नहीं करता। बड़े बड़े धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आए ये सुख शांति की आशा पूरी कर सके कि दुनिया में दुख अशांति बढ़ती गई, बढ़ती गई। सुख शांति की आशा दुनिया में जब कोई पूरी नहीं कर सकता, सब थक जाते हैं। गांधी बापू जी आए, उन्होंने भी कहा मैं राम राज्य दूंगा, फिर राम राज्य आया कि और ही रावण राज्य आ गया, और ही रावण राज्य आ गया। तो राम राज्य कहो, स्वर्ग कहो, जीवन मुक्ति कहो, अंग्रेजी में पैराडाइज कहो, मुसलमानों की भाषा में जन्नत कहो, ये वर्षा बाप ही आकर के देता है। तो वो बाप के रूप में भी आता है और टीचर के रूप में भी आता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि दुनिया में जितने भी बाप होते हैं वो बच्चों के टीचर भी बने,
कोई बाप ऐसे होते हैं जो टीचर भी बन जाते हैं, लेकिन इस बाप की खासियत क्या है, ये बाप भी है हम आत्मा रूपी बच्चों का और टीचर भी बनता है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है। आत्मा का ज्ञान देता है, अपना भी ज्ञान देता है, सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी इस दुनिया की बताता है। कैसे तुम नीचे गिरते हो और कैसे तुम ऊंचे उठते हो, कैसे तुम नर से राक्षस बन जाते हो, नर राक्षस, और कैसे नर से नारायण बन जाते हो, वो सारी डिटेल बताता है। गीता में यही ज्ञान है। नर अर्जुन को कौन सा ज्ञान दिया भगवान ने, हे अर्जुन तू ऐसा कर्म कर जो नर से नारायण बन, हे नारी द्रौपदी तू ऐसे कर्म कर जो नारी से लक्ष्मी बने। ये लक्ष्मी नारायण की पढ़ाई दुनिया में कोई नहीं पढ़ा सकता। डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, वकील बनाएंगे, जज बनाएंगे, लेकिन कभी सुना कि कोई ने किसी को मनुष्य से देवता बनाया हो? ये पढ़ाई बाप आकर के पढ़ाते हैं। ये ऊंचे ते ऊंचा लकब है क्या, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। तो यहाँ नर भी बैठे हुए हैं और नारियां भी बैठी हुई है, दोनों को भगवान बाप आकर के टीचर बन करके पढ़ाते हैं और उस पढ़ाई का लक्ष्य भी बताई दिया। क्या लक्ष्य है, नर से नारायण बनना है और नारी से लक्ष्मी बनना है। तो वो बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। गुरु क्या करता है, गुरु सदगति करता है। अभी हमारी सदगति है या दुर्गति है, मन बुद्धि जो है वो नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है? अगर मन बुद्धि ऊपर जा रही है तो कहेंगे सदगति, और मन बुद्धि नीचे गड्ढे में जा रही है तो कहेंगे दुर्गति। तो मन बुद्धि की भी दुर्गति हो रही है, हर एक मनुष्य मात्र की दुर्गति हो रही है। बाप आकर के सदगति करते हैं, गुरु बन करके। तो दुनिया में ऐसा कोई बाप नहीं होगा जो बाप भी बने, टीचर भी बने और सदगुरु भी बने। दुनिया में गुरु तो बहुत हैं, ढेर के ढेर, लेकिन वो सदगुरु हैं या सिर्फ गुरु हैं? सत माने सच्चे गुरु, सच्चा गुरु उसे कहेंगे जो साथ ले जाए, अपने भी सदगति में अपने को भी ले जाए और हमको भी ले जाए। दुनिया में जो गुरु होते हैं खुद मर जाते हैं, उनके चेले गद्दी पर बैठ जाते हैं, चेले को साथ नहीं ले जाते। और ये भी पता नहीं कि गुरु कहाँ गया, ऐसे ही कह देते हैं पार निर्वाण गया हमारा गुरु। अरे पार निर्वाण गया तो अकेले क्यों चला गया, अपने साथ औरों को भी ले जाना चाहिए ना। तो कहेंगे गुरु तो बहुत हैं लेकिन सदगुरु सिर्फ एक है। इसलिए सिख लोग ये बात गायन करते हैं
एक सदगुरु निराकार निरंकार अकाल मूर्त। तो सदगुरु एक है जो हमारा बाप भी है और हमारा टीचर भी है। हम ये भी जानते हैं कि बाबा जब आते हैं तो गारंटी देते हैं कि मैं तुम बच्चों को बैगर टू प्रिंस बनाऊंगा। क्या बैगर माने भिखारी, और भिखारी से क्या बना दूंगा है? राजकुमार बना दूंगा। इसी जन्म में बनाऊंगा, ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है। कैसी पढ़ाई, कैसी पढ़ाई है? भिखारी से राजकुमार, भिखारी से राजकुमार। तो पहले भिखारी बनेगा कि राजकुमार बनेगा? भिखारी बनेगा, भिखारी बनेगा, तभी राजकुमार बनेगा है। पहले तो भिखारी बनना पड़े, इसलिए दुनिया में कहते हैं कि शंकर जी का चेला कोई नहीं बनना। वो जैसे खुद लंगोटिया है, बबूतिया है, वैसे हमको भी बनाए देगा। लेकिन ये कोई नहीं जानते कि वो बैगर टू प्रिंस बनाता है। पांडवों का गायन था, पांडव क्या थे, घर घर में जाकर क्या करते थे, भीख मांगते थे। ये भीख मांगने की शिक्षा किसने दी? भगवान बाप ने उनको भीख मांगने की शिक्षा दी कि तुम अपना सब कुछ तन मन धन ईश्वरीय सेवा में लौटा दो, जुए में लगा दो। ये जुआ है तन मन धन समय संपर्क संपत्ति, सारी ईश्वरीय सेवा में लौटा दो। और पांडवों ने लौटा दिया। फिर पांडव ने दिग्विजय की या नहीं की? सारे विश्व के मालिक बन गए। तो बाप आकर ऐसी बुद्धि की सदगति करता है। कैसी? जो आत्मा बैगर टू प्रिंस बनने के लिए तैयार हो जाती है, रो रो करके या खुशी खुशी है, खुशी खुशी तैयार हो जाती है। तो जो ऐसे खुशी खुशी तैयार होंगे वो ऊंचे चढ़ेंगे दुनिया में, आसमान के सितारों की तरह दुनिया में चमकेंगे, या नीचे गड्ढे में पड़े रहेंगे है? चमकेंगे। वो है आसमान के सितारे जड़, और भगवान के बच्चे हैं चैतन्य सितारे धरती के। ये धरती के चैतन्य सितारे, इनको बाप गारंटी देते हैं कि मैं तुमको बैगर टू प्रिंस बनाऊंगा अगर मेरी मत पर चलेंगे तो। ये भी बताते हैं कि वहां तो राजा का बच्चा ही प्रिंस बनता है, राजगद्दी प्राप्त करता है। यहां ऐसा नहीं है, यहां तुम चाहे बच्चा हो और चाहे बच्ची का चोला है, दोनों को बाप से विश्व की बादशाही मिल सकती है। तो बताया कि उस दुनिया में तो सिर्फ बच्चों को ही वर्षा मिलता है बाप दादे का, लेकिन मैं आता हूं तो चाहे बच्चे हो चाहे बच्चियां हो, सबको वर्षा देता हूं। तो बच्चों को ताकत रखनी चाहिए। क्या, किस बात की ताकत? अपने स्वरूप को पहचानने की ताकत रखनी चाहिए कि हम निराकार बाप के निराकारी बच्चे आत्मा हैं,
इस जन्म में हमको ये चोला मिला हुआ है, स्त्री चोला या पुरुष चोला, तो ये बहुत सहज बातें बताते हैं। इसको सहज राजयोग कहा जाता है, ये सहज ज्ञान है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी इस ज्ञान को समझ के बैठी हुई हैं। यहां कोई कलेक्टर बालिस्टर मिनिस्टर बैठा हुआ है क्या? उनकी समझ में ये ज्ञान नहीं बैठेगा। और जो साधारण साधारण है उनकी बुद्धि में भगवान की बातें ज्ञान बुद्धि में बैठ जाते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति ले लो, ज्यादा लंबा टाइम नहीं देते हैं, एक सेकंड में निश्चय बुद्धि बन सकते हैं कि अब हमको बैगर टू प्रिंस बनना है। परंतु बच्चों में अभी वो ताकत नहीं आई है जो बाप को असली रीति पहचान करके याद कर सके। माया घड़ी घड़ी बुद्धियों को तोड़ देती है, निश्चय बुद्धि से अनिश्चय बुद्धि बना देती है। बाप तो कहते हैं बेहद बाप के बच्चे हो करके और बेहद के बाप को याद न करें तो फिर वर्षा कैसे पावेंगे? बाप का बेहद का वर्षा तभी मिलेगा जब बेहद के बाप को याद करेंगे। तो बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करते रहो, ये याद ही तुम्हारा योग है। वो गुरु लोग योग 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 करते हैं, योग सिखाते हैं, आसन सिखाएंगे, शरीर के प्राणायाम सिखाएंगे, वो तो शरीर का योग हो गया। मैं तो तुमको आत्मा का योग परमात्मा बाप के साथ सिखाता हूं। अपन को आत्मा समझो और मुझे परमपिता परमात्मा ज्योतिबिंदु शिव को याद करो। साथ साथ तुमको मनुष्य से देवता बनना है ना, तो दैवी गुण धारण करो, आसुरी गुणों को भगाते जाओ। क्रोध करना, लोभ करना, बहुत मोह करना कोई के साथ, मेरा 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 मेरा, ये सब आसुरी अवगुण हैं। इन आसुरी अवगुणों को त्यागते जाओ और दैवी गुणों को धारण करते जाओ। ऐसा तुम करेंगे तो बाप जरूर तुमको विश्व की बात सही देंगे। और ये बड़ा सहज भी है। सृष्टि के आदि मध्यंत को जानो तो बहुत सहज है। जानना ही ज्ञान है। सृष्टि के आदि मध्यंत को नहीं जानेंगे, इस सृष्टि के रचयिता और रचना को नहीं जानेंगे तो ऊंच पद कैसे मिलेगा? इसलिए बाप कहते हैं तुम अपने 84 के चक्कर को याद करो। आत्मा कितने चक्कर खाती है? 84 का चक्कर खाती है। ये 84 का जो चक्र है ये सृष्टि का आदि मध्य और अंत ऐसे में भरा हुआ है। सृष्टि का आदि है सतयुग त्रेता, मध्य है द्वापर और अंत है कलयुग। ये सिर्फ सृष्टि की ही बात नहीं है, दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। मकान हो, दुकान हो, कारखाना हो, मनुष्य हो, कितनी अवस्थाओं से गुजरता है। मनुष्य बचपन में बच्चा है, शिशु है, मां की गोद में खेलता है, कोई चिंता नहीं, कितना बढ़िया जीवन।
फिर थोड़ा बड़ा होता है, किशोरावस्था आती है, इधर संगी साथियों के साथ खेलने जाता है, स्कूल में जाता है, कुछ न कुछ लड़ाई झगड़ा होता है, रोना करता अटकना शुरू होता है, फिर जवान होता है, जवानी में उतना सुख महसूस नहीं करता, शांति महसूस नहीं करता, जितनी बचपन को सुख और शांति में जानता है। फिर बुढ़ापा आता है, ना अपन को अच्छा लगता है और ना संगी साथी जो दूसरे होते हैं जिनके साथ रहता है उनको भी बुढ़ापा नहीं अच्छा लगता है। तो तमो प्रधान कहें तो दुनिया की हर चीज जैसे सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो, चार अवस्थाओं से गुजरती है, ऐसे ये सृष्टि भी कितनी अवस्थाओं से गुजरती है, चार अवस्थाओं से गुजरती है। तो बाप कहते हैं ये चारों अवस्थाओं में बुद्धि का चक्कर घुमाओ, कुछ नहीं करना है, ये क्या बड़ी बात है कि सत्युग त्रेता में हम देवता थे, द्वैतवादी द्वापर युग में आकर के हम मनुष्य बने और कलयुग में आकर के राक्षस जैसे बन गए, दुखदाई। कलयुग पापी युग है या पुण्यात्माओं का युग है? पाप का युग है, सब पापात्माएं बन जाते हैं, तन से सुख देंगे दुख देंगे, धन कमाएंगे धन से भी दुख देंगे, जो बाल बच्चे मित्र संबंधी आदि हैं उनकी ताकत लगा के भी दूसरों को दुख देंगे, मन से तन से धन से सब प्रकार से दूसरों को दुख देते रहते हैं, उनको कहेंगे राक्षस, और जो सुख देते हैं उनको कहते हैं देवता। नाम क्या पड़ा? देवता। उनका काम ही क्या है? देते हैं, किसी से लेने की इच्छा नहीं करते। देवताओं का बाप कौन है? भगवान। वो भगवान बाप भी ऐसा ही है, कैसा? देता है, किसी से लेता नहीं। तो जैसा बाप वैसे बच्चे भी होते। तो बाप कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी बनो, अपनी आत्मा के 84 के चक्र को बुद्धि में घुमाओ, ये तुम्हारा हथियार है सुदर्शन चक्र। वो भक्ति मार्ग में तो उन्होंने शास्त्रकारों ने दिखाई दिया, रथ का पहिया लिया, वो सुदर्शन चक्र दिखाई दिया, ऐसा कोई बात नहीं है। शास्त्रों का सार भगवान बाप ही आकर के बताते हैं, मनुष्य शास्त्रों के सार को नहीं जानता। ब्रह्मा के द्वारा शास्त्रों का सार समझाते हैं, इसलिए ब्रह्मा के हाथ में वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं। तो ये ज्ञान कितना सहज है, कोई बात ऐसी है जो समझ में नहीं आती है? सारी बातें समझ में आती है। ये तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट है सुदर्शन चक्रधारी बनने की। क्या अहम ऑब्जेक्ट है? अहम ऑब्जेक्ट माने तुम्हारा लक्ष्य क्या है पढ़ाई का? भगवान आकर तुमको पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? वो स्टूडेंट होते हैं उनका लक्ष्य होता है हम डॉक्टर बनेंगे, हम मिनिस्टर बनेंगे, हम IAS पास करके कलेक्टर बनेंगे, लक्ष्य होता है ना पढ़ाई का। तो यहां बाप लक्ष्य देते हैं कि तुम्हारा ये लक्ष्य है सुदर्शन चक्रधारी बनो। तो जो बत्ती मार के चित्र हैं उनमें किसको सुदर्शन चक्रधारी बना दिखाया गया है? विष्णु को। क्या? नारायण को, विष्णु को सुदर्शन चक्र दिखाते हैं। तो ये सुदर्शन चक्रधारी जो विष्णु है ये तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। क्या बनना है? विष्णु समान देवता बनना है। नाम क्या दिया?
विष्णु नो विषयताल, विषय विकारों का नाम निशान जिसके अंदर नहीं है। अभी हमारी सबकी बुद्धि में क्या भरा रहता है, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक क्या चलता है, विषय विकार चलते हैं या नहीं चलते हैं? विषय विकार की ही दुनिया याद रहती है। फिर बाप आकर हमको ऐसी पढ़ाई पढ़ते हैं पढ़ाते हैं जो ये विषय विकारों की दुनिया मन से भी खत्म हो जाती है, तन से भी खत्म हो जाती है। विषय विकार का नाम निशान नहीं रहेगा। सुदर्शन चक्रधारी से बनने से क्या होगा? सुदर्शन चक्रधारी तुम बनेंगे तो तुम राजरानी प्राप्त कर सकते हो, सारी कैपिटल के ऊपर राज्य कर सकते हो। वो दिल्ली के ऊपर सात धर्म वालों ने राज्य किया, उन्होंने दुखदाई राज्य किया या सुखदाई राज्य किया है? दिल्ली में खून खराबा किया। मैं तुमको ऐसी दिल्ली की राजधानी देता हूं, ऐसी तुम्हारी कैपिटल बनाता हूं जहां तुम्हें सुख ही सुख होगा हजारों वर्ष तक, ऐसी तुम दिल्ली की राजधानी प्राप्त कर सकते हो। वो तो दिल्ली की राजधानी बड़ी मुश्किल से पाते हैं, कौन जो दुनिया में राजाए हुए हैं, दिल्ली के सम्राट हुए हैं ना, जो दिल्ली में जिन्होंने राजाई की है उन्होंने कितना खून खराबा किया है, बहुत खून खराबा किया है, कितनी लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं, हैं? वो तो बड़ी मुश्किल से राजधानी मिलती है उनको, जान जोखिम में डाल देते हैं। यहां तो बाप कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें सहज राजयोग सहज ज्ञान सिखाने आया हूं, कोई प्रकार की हिंसा करने की दरकार नहीं है, अहिंसक राजाई देता हूं। उस कैपिटल में तुम्हें हजारों वर्ष तक कोई भी हिंसा नहीं करनी पड़ेगी, हिंसा तुम्हारी बुद्धि में से ही निकल जाएगी, तुम तो देवता बन जाएंगे। तो बच्चों को बड़ा वंडर लगना चाहिए कि दुनिया में जो कोई राजा ने प्राप्त नहीं किया वो प्राप्ति बाप आकर के तुम बच्चों को कराते हैं। वो राजाएं हिंसक लड़ाइयां लड़ लड़ करके राजाएं बनते हैं, हिंसक कैपिटल बनाते हैं, राजधानी बनाते हैं, और बाप ज्ञान और योग से तुमको अहिंसक राजधानी बनाकर दे देते हैं। तो बाबा की समझानी बड़ी वंडरफुल है और बड़ी सहज भी है। बाप गारंटी देते हैं कि दुनिया में हिस्ट्री में ऐसा एक भी राजा नहीं हुआ है जिसने हिंसा किए बगैर राजाई प्राप्त की हो। हिंसा करते हैं तब राजाई मिलती है, और विश्व की बादशाही पाने के लिए तो बड़े बड़े महत्वाकांक्षी हुए, हिटलर नेपोलियन मुसोलिनी अलेक्जेंडर, इतने बड़े बड़े महत्वाकांक्षियों ने सारी दुनिया के ऊपर राजाई प्राप्त करने के लिए कितनी एड़ी चोटी की ताकत लगा दी। लेकिन बाप कहते हैं ये गारंटी है कि हिंसा से कोई विश्व की बादशाही नहीं प्राप्त कर सकता, ये नियम नहीं है। क्या नियम है? अहिंसा से तुम बच्चे विश्व की बादशाही प्राप्त कर सकते हो, ये पक्का करना है कि हम जो ज्ञान लेते हैं उस ज्ञान में ये खासियत है कि हम किसी की हिंसा न करें, किसी को मन का दुख न दें,
किसी को तन का दुख न दें, किसी को वाचा से दुख न दें। अगर दुख देते हैं तो हिंसा करते हैं, ऐसे हिंसा करने वालों को बाप से विश्व की बादशाही में हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वंडरफुल दुनिया का मालिक तुम बच्चों को बनाते हैं, वो तो दुनिया में मनुष्यों के बनाए हुए 7 वंडर्स हैं, जिन 7 वंडर्स को देखने के लिए कितने लोग जाते हैं। जैसे आगरे का ताजमहल, देश विदेश से लोग आकर के आगरे का ताजमहल, ये एक वंडर है 7 वंडर्स में से, देखने के लिए आते हैं। चीन की दीवार देखने के लिए कितने लोग जाते हैं। इतनी बड़ी दीवार दुनिया में कोई है ही नहीं, इतनी चौड़ी, इतनी ऊंची, कितना टाइम लगा होगा बनाने में। मिस्र के पिरामिड देखने के लिए जाते हैं, झूमती मीनारें देखने के लिए जाते हैं। ये दुनिया के 7 वंडर्स मनुष्यों के बनाए हुए हैं, वो बड़े से बड़े वंडर्स नहीं हैं, लेकिन ये भगवान बाप का वंडर है स्वर्ग, और स्वर्ग की राजधानी जो सारी दुनिया याद करती है। हिंदू भी याद करते हैं स्वर्ग में जाएं, कोई मरता है तो क्या कहते हैं, कहां पधारा? स्वर्ग पधारा। झूठा कह देते हैं, सच्चा कह देते हैं? ऐसे ही झूठा बोल देते हैं, कोई स्वर्ग पधारता नहीं, क्योंकि दुनिया में तो कलयुग है, पाप का युग है, स्वर्ग कहां से आएगा। भगवान बाप आकर के नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाते हैं, ज्ञान देकर के बनाते हैं। तो तुम बच्चे ब्रह्मा की औलाद, ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, आपस में भाई बहन हो, वो तो भक्ति मार्ग में ऐसे ही मंदिरों में जाके कह देते हैं पति पत्नी, तुम माता पिता हम बालक तेरे। क्या समझते हैं कि मंदिर में जो बैठा हुआ है वो हमारा बाप है और हम उसके बच्चे भाई बहन हैं? भाई बहन समझते हैं? मंदिर में भी नहीं समझते, ऐसे ही झूठा झूठा बोलते रहते हैं, और घर में जाकर के तो जाने क्या क्या कर्म करते हैं। भाई बहन ऐसे कर्म करते क्या? बाप कहते हैं मैं तुमको प्रैक्टिकल सच्चा ज्ञान देता हूं, वो तो ऐसे ही दुनिया में चिल्लाते रहते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। अरे मैं तो सारी दुनिया को आकर के ज्ञान सुनाता हूं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी आकर के ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण बने, ब्राह्मणी बने और ये ज्ञान उठाए, ब्राह्मण सो देवता बने। मैं तुम ब्राह्मणों को ये ज्ञान और राजयोग सिखा करके विश्व की बादशाही देता हूं, स्वर्ग की बादशाही देता हूं। वो स्वर्ग बहुत वंडरफुल चीज है, हिंदू भी उसको याद करते हैं स्वर्ग, मुसलमान भी उसको याद करते हैं पैराडाइज, वो जन्नत, क्रिश्चियन लोग भी उसे याद करते हैं पैराडाइज, हेवन, कितना याद करते हैं। कोई किसी को याद क्यों करता है? अरे रसगुल्ला खाया होगा तभी तो याद आएगा, कब याद आएगा? खाया होगा तो याद आएगा, नहीं खाया होगा तो याद कहां से आएगा? इसका मतलब आत्मा में वो संस्कार भरे हुए हैं, भगवान बाप से वो वर्षा स्वर्ग का लेने का वो संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। हमारी आत्मा ने कभी वो स्वर्ग का वर्षा भोगा है? वो ऐसा वर्षा है
जो दुनिया में कोई भी मनुष्य नहीं पा सका। वंडरफुल वर्षा है, वंडरफुल दुनिया है, वंडरफुल है, मोस्ट वंडरफुल चीज है दुनिया की। वो सात वंडर्स तो जो मनुष्यों के बनाए हुए हैं उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो माया के सात वंडर्स हैं और ये भगवान बाप का एक वंडर है, मोस्ट वंडरफुल चीज। वो नरक के वंडर्स हैं, सात वंडर्स, और ये भगवान बाप का वंडर है एक। बाप भी एक है तो बाप का वंडर भी एक है। वो धर्म पिताएं अनेक हैं, इस्लाम उनका धर्म पिता इब्राहिम, बुद्ध उनका धर्म पिता बौद्धियों का बुद्ध, क्रिश्चियंस उनका धर्म पिता क्राइस्ट। जितने धर्म पिताएं उतने उन्होंने वंडर बना दिए। वो वंडर्स तो मनुष्य गुरुओं के बनाए हुए हैं, मनुष्य गुरु और ईश्वर गुरु, अंतर होगा कि नहीं होगा? है कहां भगवान बाप गुरु बनकर के आता है और कहां मनुष्य गुरु बनकर के बैठते हैं? 2500 वर्ष की हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है, जिन 2500 वर्षों में ये सात गुरु, सात धर्म पिताएं दुनिया के बड़े बड़े ग्रेट फादर्स कहे जाने वाले इस दुनिया में आते हैं, और दुनिया नरक बनती जाती है कि स्वर्ग बनती जाती है? है नरक बनती जाती है, हिस्ट्री ये बात बताती है। सबकी मेंटेलिटी गिरती जाती है, मनसा में गंदे संकल्प बढ़ते जाते हैं। मनसा मनुष्य मात्र की गंध में पड़ी रहती है और बाप आकर उस गंध से निकालते हैं और मनुष्य से देवता बनाते हैं, स्वर्ग में ले जाकर के आत्माओं को बैठा देते हैं। तो तुम बच्चों को लकी सितारा कहा जाता है, जो भगवान बाप से स्वर्ग की राजाई लेते हो। लकी माने भाग्यशाली, भाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली, सौभाग्यशाली नहीं। बाप कहते हैं तुम बच्चे हो पदमा पदम भाग्यशाली, तुम्हारे जैसा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र नहीं हो सकता। तुम श्रीमत पर अपने धर्म की स्थापना करते हो, ये धर्म जो बाप आकर स्थापन कराते हैं तुम बच्चों द्वारा, वो बहुत सुख देने वाला धर्म है। इसलिए गीता में कहा गया है, स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाना अच्छा, दूसरे का धर्म भयभीत करने वाला है, बहुत दुख देने वाला है। दूसरे का धर्म कभी अपनाना नहीं चाहिए। अपना धर्म कौन सा है? आत्मा का धर्म, स्वधर्म। स्व माने आत्मा, धर्म माने धारणा। ये आत्मा की धारणा बाप आकर के सिखाते हैं। वो सदैव स्वयं स्थिति में रहने वाला बाप है तो आत्माओं की धारणा सिखाते हैं। ओम शांति।